छतरा जिला के पारा टीचर के अध्यक्ष कृष्णा पासवान जी, पूरे हजारीबाग प्रमंडल उत्तरी छोड़ा नागपुर से आए हुए हमारे जिला कमेटी से लेकर प्रखंड कमेटी तक, पारा शिक्षण संघ के अध्यक्ष सचिव महासचिव शिक्षक शिक्षिकाएं एवं मीडिया के पत्रकार बने हो, क्योंकि आज पारा शिक्षा की जो मांग है 18 वर्षों तक अपना उम्र सेवा में लगा दिया है। और जब पारा शिक्षा की बहाली हो रही थी उसमें अभी भी हम विधायक थे और कई लोगों को कुंदा प्रतापुर हंटे करके अपना विधानसभा में उस समय लेटर पैड से ही बहाली होती थी, खाली लिख देते थे पारा टीचर को हाल हो जाता था। उस समय इंटरव्यू और सर्टिफिकेट की जरूरत बाद में पड़ता था, लेकिन आज आप लोग की जो मांग है आज झारखंड में लगभग 8 मंत्री हैं हम लोग, अब पूरे झारखंड में माननीय मंत्रियों की आवास की घेराव है। हमने सोचा कि घर घेरिएगा तो घर तो न कुछ बोलेगा न कुछ सुनेगा, इसलिए हम यहाँ के एसडीपीओ साहब से, एडीओ साहब से, थाना प्रभारी सदर एसपी साहब से, डीसी साहब से भी हमने आग्रह किया कि घर न सुनेगा न दिखेगा, हम खुद आ रहे हैं, क्योंकि जो पारा शिक्षक हैं हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, हमारे गांव के हैं, आज जो अपना दर्द सुना रहे हैं आखिर किसके पास सुनाएंगे। सरकार में हम हैं, आप चुनाव जिताकर भेजते हैं, विधायक बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो आपका न्याय कौन देगा, न्याय देने वाली सरकार ही है। और खासकर इस 2019 के चुनाव में पूरे झारखंड भर के पारा टीचर प्रगति सरकार के विरोध में पूरा मोर्चा खुले हुए थे कि हमारा मांग पूरी करो, लेकिन सरकार सुनी नहीं, अनसुनी की। और पूरे झारखंड भर के जितने आपके 65,000 शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, पूरे महागठबंधन को जिताने के लिए अपने आशा उम्मीद के साथ कि जिताएंगे तो अस्थायी होगा, वेतन बढ़े, आप लोगों ने बहुत सहयोग किया और आपका सहयोग से हम यहाँ आपके बीच मौजूद हैं, मंत्री हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं। हम चाहते हैं, चूंकि श्रम मंत्रालय है तो लेबर मंत्रालय के साथ साथ रोजगार मंत्रालय भी, तो जो रोजगार में है वो तो खैर रोजगार में है, जिनका रोजगार नहीं है उनको से भी हमको रोजगार से जोड़ना है। आपका जो मांग पत्र है जो हमारे अध्यक्ष महोदय ने, जिलाध्यक्ष महोदय ने, प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने जो सौंपा है, इस पर गंभीरता से विचार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराएंगे और कल लगभग 3 घंटा देखे होंगे कि हम और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी और तेज प्रताप जी, हम लोग लगभग 3 घंटा माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास में ही रहे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय तबियत सेहत पूरा खराब था, हम लोग को दिल्ली भेजना था, इस विषय पर भी हम लोगों ने कल बात किया कि पारा शिक्षा का जो मांग है पूर्ववर्ती सरकार से लेकर अभी तक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई सरकार जैसे ही बनी तो पूरे देश और पूरे प्रदेश, उस पर झारखंड में छूता नहीं है, पूरा कोरोना वायरस का प्रकोप जन जन तक, गांव गांव तक फैल गया, दूसरे प्रदेशों से मजदूरों को लाना पड़ा, ट्रेन से लाना पड़ा, प्लेन से लाना पड़ा, अगल बगल के जो राज्य है, पड़ोस राज्य जो बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वहां बस भेज के मंगाने काम किए, बचने काम किए, बचाने के काम किए। अब 2021 रोजगार वर्ष है, विकास वर्ष है, युवाओं का वर्ष है और पारा शिक्षकों का वर्ष है। उन लोगों का जो मांग है, जो कमेटी अगर बनी थी
प्रशिक्षण के समस्या समाधान के लिए हाई लेवल कमेटी ने अपना अनुशंसा कर दिया है, राज्य सरकार के अवगत करा दिया है और माननीय मंत्री हमारे कोरोना काल में उठ बीमार पड़ गए, अपने अभी चेन्नई में है, माननीय मंत्री जी ठीक हो रहे हैं, इसके चलते भी विलम्ब हुआ है। दो कारण है, एक तो कोरोना का मार 2020, माननीय मंत्री जी बीमार, और 2021 हम लोग विकास के भी काम शुरू करे हैं। आज जो जितना बहाली रिक्त है, सिविल सेवा के चार-चार बहाली हम लोग सब निकाल रहे हैं और वेतन कितना मिलेगा माननीय मुख्यमंत्री तय कर लिए। पूरा झारखंड में एक दिन होली या दिवाली मनने वाला है, खाली समय का इंतजार करना है, क्योंकि 2021 अभी भी हम लोग पूरा तरह से गृह मंत्रालय भारत सरकार से राज्य सरकार से हम लोग फ्री नहीं है कि COVID-19 अभी नहीं है और हम COVID-19 से फ्री हो गए। श्रम मंत्रालय में प्रशिक्षण होता था कौशल विकास से, अभी तक भारत सरकार ने परमिशन नहीं दिया, राज्य सरकार ने परमिशन नहीं दिया कि अभी सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना है, मास्क लगाना है, अभी भीड़ नहीं लगाना है। तो अभी धीरे धीरे हम 100 में से 80% कोरोना से मुक्ति मिल